तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे। तो आगे एक और प्यारा सा वीडियो लेकर जिसमें आप लोगों को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने के बारे में बताने वाला हूं, जो आप लोग होम स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड यहां पे कैमरा वाला पिक देख सकते हैं गाइज, कितना बेकार सा एंड बोरिंग सा एंड डार्क डार्क निकाला है गाइज। एंड यहाँ पर मेरा पोज भी देख सकते हैं एंड कोई सिंपल पोज है, कोई हार्ड भी पोज नहीं है, एकदम नॉर्मल पोज है, ठीक है मेरे जान। और एडिटिंग करने के बाद गाइज आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ओसम एंड बवाल लग रहा है। तो अगर आप लोग भी इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो अपने ओरिजिनल पिक पर आ जाना है और इसको यहाँ से शेयर कर लेना है अपने स्नैपशीट वाले एप्लीकेशन में, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फोटो थोड़ा रोटेट है तो टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रोटेट पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे और यहाँ से राइट कर लेंगे। और इतना काम होने के बाद फिर से आप लोगों को टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है, डिटेल पे आ जाना है और यहाँ से स्ट्रक्चर को बढ़ा लेना है, ठीक है, मेरे 50 के करीब में। एंड यहाँ पे शार्पनिंग को आप लोग को 100 के करीब में इंक्रीज कर लेना है। इतना काम होने के बाद फिर से आप लोग को राइट कर लेना है, फिर से टूल्स पे क्लिक करना है और आ जाना आप लोग को यहाँ पे टोटल कंट्रास्ट पे और यहाँ से हाई टोन को आप लोग को 0 कर लेना है और लो टोन को रख देना है एंड मीडियट लो टोन को 50 के करीब में रख लेते हैं, ठीक है। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लो टोन मीडिया टोन हाई टोन को आप लोग को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड इतना काम होने के बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर से आप लोग को टूल्स पे क्लिक करना है और ट्यून इमेज में आ जाना है और यहाँ पे ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है और यहाँ पे कंट्रास्ट है उसको माइनस कर लेना है थोड़ा सा। एंड यहाँ से सेचुरेशन है, सेचुरेशन को बढ़ा लेना है अपने फोटो के हिसाब से और एम्बिनियंस को भी अपने फोटो के हिसाब से बढ़ा लेना है और हाईलाइट को तो आप लोग को पूरा 100 माइनस कर देना है और इतना शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं क्या क्या मैं किया हूँ, क्या बढ़ाया हूँ, क्या घटाया हूँ, आप लोग लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं, एक एक स्टेप बताया हूँ बिल्कुल ध्यान से। आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तभी आप मेरे जैसे एडिटिंग कर पाएंगे। और इतना काम होने के बाद यहाँ से राइट कर लेंगे और यहाँ पे आफ्टर बिफोर देख सकते हैं आप लोग लाइव प्रूफ के साथ कितना चेंजिंग आ चुका है मेरे फोटो में। एंड टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्टिव वाला ऑप्शन है तो सिलेक्टिव पर सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे ओनली फॉर ब्राइटनेस को आप लोग को इंक्रीज करना है, ठीक है। यहाँ पर कोई सा मतलब छेड़खानी ज़्यादा नहीं करना है, बस आप लोग को ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है, कर लेना है जहाँ जहाँ ब्लैक दिखे आप लोग को ब्राइटनेस इंक्रीज करके डाउन कर लेना है। फिर से टूल्स पे क्लिक करेंगे और सिलेक्टिव पे आ जाएंगे और यहाँ से मेरे गर्दन पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है एंड इसको ब्लैक को हम वाइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इतना के करीब में, ठीक है। एंड आप लोग आफ्टर बिफोर देख सकते हैं आप लोग फोटो एक बार, ठीक है मेरे जान। एंड काफ़ी ज़्यादा ओसम लग रहा है देखने में खाली, ठीक है। एंड आप लोग का स्नैपशीट का काम खत्म हो चुका है तो सिंपल सा यहाँ पे शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के। और देख सकते हैं मैं एकदम बारीकी से बताया हूँ, एकदम एक एक स्टेप बताया हूँ। तो यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, ऑल फोटो पे क्लिक करेंगे और मेरी स्नैपशीट वाला फोटो देख सकते हैं आप लोग एंड इसको कट आउट करेंगे और ये आप लोगों को एक प्रीसेट की जरूरत पड़ेगी। आप लोग कोई भी प्रीसेट आप लोग यूज कर सकते हैं अपने फोटो में, ठीक है। एंड यहाँ से कॉपी सेटिंग करेंगे और यहाँ से सारे को टिक कर देंगे प्रीसेट को एंड यहाँ से राइट कर लेंगे, ठीक है, फोटो को। एंड इतना काम होने के बाद फिर से अपने फोटो पर आ जाते हैं स्नैपशीट वाले और एक क्लिक में आप लोग जादू देखिएगा, ठीक है मेरे जान। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं गाइज काफ़ी ज़्यादा एकदम स्मूथिंग भी हो चुका है एंड बैकग्राउंड भी बन चुका है मेरा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा शर्ट का कलर चेंज करेंगे, कलर वाला ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से देख सकते हैं कलर वाला ऑप्शन में आने के बाद मिक्स पे क्लिक करेंगे और येलो को कलर लेंगे और ह्यू को थोड़ा सा माइनस कर देंगे, ठीक है, करीबन 32 के करीब में रख लेंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं शर्ट का कलर चेंज हो चुका है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, कोई सा भी प्रीसेट मारकर इस फोटो को डन कर लेना है और डन करने के बाद आप लोग को यहाँ से फोटो को सेव कर लेना है। तो मेरा फोटो सेव हो रहा है तो तब के लिए आप लोग चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर मेरा फोटो सेव हो चुका है तो मैं चलिए गैलरी को ओपन करके दिखा देता हूँ मेरा फोटो, ठीक है। एंड आप लोग देख सकते हैं ये मेरा फोटो है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना, देख सकते हैं कितना क्लियरिटी और बैकग्राउंड आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पे शर्ट का भी कलर चेंज हो चुका है। एंड इतना काम होने के बाद सिंपल से आप लोग को पिक्स यहाँ पे कट आउट कर लेना है और यहाँ पे पिक्सआर्ट ओपन को एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड इस पर आने के बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, एडिट फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बैकग्राउंड ऊपर दिख रहा है बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और व्हाइट वाला बैकग्राउंड कोई सा भी आप लोग बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। टूल्स पे क्लिक करेंगे मेरे जान और यहाँ से क्रॉप पे आएंगे और यहाँ से पोर्ट्रेट वाला साइज को ले लेंगे, ठीक है, पोर्ट्रेट वाला साइज और इसको डन कर देंगे। और इतना काम होने के बाद फिर से आप लोग को एड फोटो पे क्लिक करना है और एड फोटो पे क्लिक करने के बाद आप लोग को ये PNG एड करना है। इसको एड करने से पहले आप लोग को इसको फुल्ली पूरा फुल स्क्रीन पे जूम करके और इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे कुछ इस टाइप का। और इतना काम होने के बाद फिर से आप लोग को टूल्स पे एड फोटो पे क्लिक करना है, सॉरी गाइज एड फोटो पे क्लिक करना है और अपने मॉडल को ले लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं मॉडल को कट आउट कर लिया हूँ और फेस स्मूथिंग भी थोड़ा सा कर लिया हूँ एंड इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। और इसको यहाँ पे सेट करने के बाद आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे फोटो रूम वाला आइकन है, इसको यहाँ पे रिमूव कर देंगे, इरेजर वाला आइकन पर आकर इरेज कर देंगे इसको एंड यहाँ पे इसको डन कर देते हैं। यहाँ से डन करने के बाद देख सकते हैं मेरे जरिए यहाँ से आप लोग को
थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, अपने फ़ोटो को हिसाब से आप लोग को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एंड इतना काम होने के बाद आप लोग को सिंपल सा यहाँ से मेरी जाना आप लोग अच्छे तरीके से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इतना देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक एक पार्ट को एडजस्ट कर लो। एंड बाहरी पे टैप कर देंगे और एड फोटो पे क्लिक करेंगे और अपना ये वाला पीएनजी को ऐड करेंगे। इस वाले पीएनजी को ऐड करने से पहले आप लोग को यहाँ पे माथे पर ले आकर इसको पूरा जूम कर लेना है और कुछ इतना रखने के बाद यहाँ से मूव डाउन कर देना है। थ्री डॉट पे क्लिक कर मूव डाउन कर देना है तो पीछे चला जाएगा ये बैकग्राउंड। एंड इस पे आने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग पे आ जाना है। ब्लेंडिंग पे आने के बाद इसको सबसे पहले एड पे क्लिक कर देना है, एड वाला ऑप्शन पे रख लेना है और इसको अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। पीछे वाला बैकग्राउंड जो मतलब पीएनजी है उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एंड इतना काम होने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल से यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके राइट कर लेना है। और आप लोग देख सकते हैं फिर से आप लोग को यहाँ पे एड वाले फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइटिंग का पीएनजी मिलेगा, वो ऐड कर लेना है आप लोग को। लाइटिंग वाला पीएनजी को ऐड कर लेना है और इसको ऐड करने से पहले आप लोग को यहाँ से स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे ब्लेंडिंग पे आ जाना है और इसको भी आप लोग को ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से एडजस्ट पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं एडजस्ट वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ह्यू पे क्लिक कर देना है और इसको यहाँ पे आप लोग को बढ़ाना है, इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इतना का 20 के करीब आप लोग को इंक्रीज कर लेना है, इसको आप लोग को बढ़ा लेना है ताकि आपका लाइटिंग एक लेवल में आ जाए। तो इसको लेने के बाद इसको पूरा एकदम स्क्रीन पे जूम कर लेंगे इतना ऊपर की साइड में, ठीक है। एंड इतना काम होने के बाद डुप्लीकेट लेयर ऐड कर इसको यहाँ पे इधर भी साइड में कोने में सेट कर देंगे इसको इस तरह। एंड इतना काम होने के बाद आप लोग को राइट कर लेना है। राइट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये वाला फोटो वाला रूम वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पे, फोटो रूम वाला, तो इसको रिमूव करने के लिए आप लोग को सिंपल सा यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे टूल्स पे आ जाना है। टूल्स पे आने के बाद इरेजर पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ब्रशेस कर देना है इसको। एंड यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए सॉरी लिख रहा है। एंड आप लोग को डाटा को ऑन करना है तभी ये काम करता है, ठीक है। तो आपका डाटा ऑन नहीं रहेगा तो आप ये काम नहीं करेगा। एंड डाटा को ऑन करने के बाद रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद गाइज आप लोग को फिर से आप लोग को एड फोटो पे क्लिक करना है और एड फोटो पे क्लिक करने के बाद आप लोग को एक स्मोकिंग वाला पीएनजी को ऐड करना है और इसको भी यहाँ से स्लाइड कर ब्लेंडिंग पे आ जाना है। ब्लेंडिंग पे आने के बाद इसको यहाँ पे स्क्रीन पर रख लेते हैं और स्क्रीन पर रखने के बाद इसको यहाँ पे पूरा फुल्ली जूम कर नीचे की साइड में एडजस्ट कर लेंगे। आप लोग एकदम वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक पार्ट को देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप मेरे जैसे एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। और इतना काम होने के बाद फिर से आप लोग को एड फोटो पे क्लिक करना है और ये पीएनजी को ऐड कर लेना है एक और पीएनजी को। तो वो सारा कुछ पीएनजी बैकग्राउंड सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। एंड वहाँ से नहीं ज्वाइन हो पाएंगे तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का नाम भी बता देता हूँ, ऋतिक टेच एडिटिंग नाम है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और इसको यहाँ से ब्लेंडिंग पे क्लिक करके और इसको भी स्क्रीन नहीं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को एक एक पार्ट को लिया कर एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एड वाला पे आएंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे ओवर डार्क, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे, ठीक है, मल्टीप्लाई पे कर लेंगे, ठीक है। एंड इतना काम होने के बाद इसको पूरा फुल्ली जूम कर लेंगे अपने फोटो के हिसाब से। देख सकते हैं मैं किस तरह जूम कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार ध्यान से देखिएगा, यही आपका मेन पार्ट है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है, यहाँ छेड़खानी नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई पे रखेंगे और इसको पूरा फुल्ली जूम कर देंगे। और इतना काम होने के बाद नीचे यहाँ पर शेडो आ चुका है एंड इस पर इरेजर वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, हार्डनेस को कम कर देंगे, ओपेसिटी को कम कर देंगे और ऊपर की साइड से सारे को रिमूव कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा एकदम फेस क्लियरिटी दिखे और नीचे एकदम शेडो दिखे एकदम अच्छा तरीका से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इरेजर कर दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कितना मैं इरेज कर रहा हूँ। आप लोग को भी इस टाइप का आप लोग को इरेज कर लेना है, हार्डनेस को कम ओपेसिटी को कम करके आप लोग को इरेज कर लेना है। देख सकते हैं मेरी जान कितना ओपी एंड बवास लग रहा है। एंड इसका ओपेसिटी को आप लोग को 90 के करीब में रख लेना है यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इतना काम होने के बाद देख सकते हैं आप लोग कितना ओपी एंड बवास लग रहा है। एंड इतना काम होने के बाद राइट कर लेंगे और आप लोग देख सकते हैं आफ्टर बिफोर काफ़ी ज़्यादा ओसम एंड बवास लग रहा है, ठीक है। एंड इसको डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। एंड सेव करने से पहले आप लोग को देख सकते हैं 7 MB का फोटो बनाया है मेरा। एंड इसको सेव वाला आइकन पे फिर से एक बार क्लिक करके सेव कर लेते हैं। मेरा फोटो 2 बार सेव हो चुका है, एक नॉन क्वालिटी में, एकदम HD क्वालिटी में। तो देख सकते हैं मेरा 2 फोटो सेव हुआ है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।